हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9th स्प्रिंट बैच के पॉलीनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक बार मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक पॉलीनोमियल को किसी दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे कि किसी भी पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाएगा। इसके अलावा उसके क्या क्या रूल्स होंगे ये भी हम यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद में हम लोग 3-4 क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करके उनके रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करने की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, मतलब क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे उस पूरे प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है। इसको हम लोग वापस से नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले बचपन में सीखे हुए हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 25, इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 4 की टेबल बोलना शुरू करते हैं, या तो 25 आ जाए या 25 से जस्ट छोटा नंबर जो आएगा वहीं पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं। तो देखो 4 6 कितना आया, 24 आया। लास्ट में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो अब हम इन चारों चीज़ों में से यहाँ पे 4, 25, 6 और 1 इसमें किसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ जो 6 रिजल्ट आया है हमारा इसको क्वेसेंट बोला जाता है। जो लास्ट में बच गया हमारे पास 1 इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हम डिवाइजर बोलते हैं या डिविजर बोलते हैं, और जिसके अंदर डिवाइड किया था हमने उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पहले से पता होगी, नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किसको क्या बोलते हैं। अब होता क्या है, हम डिवाइड करना कब स्टॉप करते हैं वो समझते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो इस डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं। अगर मान लो कि ये 1 नहीं होता, कुछ और होता, जैसे मान लो 7 होता, तो हम एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये सारे रूल्स आप लोगों ने बचपन में सीखे हुए होंगे। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब 6 से डिवाइड करना है 24 को, 4 टाइम डिवाइड हो गया, कितना आया रिमाइंडर, 0 बच गया। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, 0 आया। क्वेसेंट कितना है, 4 है। डिवाइजर कितना है, 6 है। और जिसको डिवाइड किया था डिविडेंड कितना है, 24 है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ, यहाँ जो हमारा रिमाइंडर आया, R मतलब रिमाइंडर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नॉट इक्वल 0 था और यहाँ जो रिमाइंडर था वो आया था इक्वल 0। हमने ये दो बेसिक वो एग्जांपल्स लिए जो हमने ऑलरेडी कभी ना कभी पढ़े हुए हैं। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है। तो उसको कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक बार समझाने के लिए लिख दिया, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं पहले रूल्स बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके बाद में एग्जांपल के ऊपर उनको अप्लाई करके भी देखेंगे। तो जैसे मान लो कि पी एक्स एक पॉलीनोमियल है जिसको जी एक्स एक दूसरा पॉलीनोमियल है उससे डिवाइड करना है। जो रिजल्ट आएगा वो भी कोई पॉलीनोमियल, जैसे मान लो लेट्स से क्यू एक्स निकल के आ रहा है और कुछ बच गया, मान लो कि आर एक्स बच गया, ये भी कोई पॉलीनोमियल होगा। ऐसा का ऐसा यहाँ हमने किया है, बस यहाँ पे वो जो नंबर था वो किससे रिप्लेस हो गया, पॉलीनोमियल से रिप्लेस हो गया। तो जिसको हम डिवाइड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वेसेंट बोलेंगे। और जो लास्ट में बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ भी क्या हो सकता है, हो सकता है जो रिमाइंडर है आर एक्स वो किसके इक्वल आ जाए, इस वाले केस की जैसे 0 के इक्वल आ जाए। हो सकता है कि जो रिमाइंडर है आर एक्स वो क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। ये दोनों कंडीशंस बन सकती है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी। देखो इसको मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई इसका मीनिंग क्या है वो समझो। जैसे मान लो कि 24 वाला किया था हमने 6 से डिवाइड करने वाला, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया था ये 24 6 से, मतलब पूरा भाग चला गया था इसके अंदर, डिवाइड हो गया था ये। अब यहाँ क्या होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। और जब भी किसी नंबर से हम किसी दूसरे नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है ये पूरा डिवाइड हुआ है। और जब भी पूरा डिवाइड होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं कि जो ये 6 है इज ए फैक्टर ऑफ 24, यानी कि जो 6 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये 24 का क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जैसे कि इस वाले केस में क्या था,
रिमाइंडर नॉट इक्वल जीरो था, तो हम बोलेंगे कि फोर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 24, 25। तो आई होप आप लोगों को फैक्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आए, तो हम बोल देंगे कि जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, इसका फैक्टर है, ये वाला इसका फैक्टर है इस वाले नंबर का, ठीक है। और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है इसका मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, और रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेम यहाँ भी यही होगा कि अगर हम जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब हम बोलेंगे कि जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोगों को किस किस तरीके से नोट करना है, सबसे पहले ये वाली चीज़ नोट कर लेना, और फिर यहाँ पे क्या होगा इसके आगे ये वाला कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, भाई इसके इससे हमने ये चीज़ सीखी है, इसके आगे क्या नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, और फिर यही केस क्या होगा पॉलीनोमियल के सेंस में यूज कर लेना। अब देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद में हम लोगों को एक टॉपिक और समझना है। यहाँ हमने चार चीज़ें देखी है, एक क्वेश्चेंट होता है, एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, एक रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये वाला रिमाइंडर होता है। इनके बीच में, चारों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को पता करते हैं, देखो कैसे निकाला जाएगा, वो ध्यान से समझना। तो जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, जैसे मैं इसको लेता हूँ 25 को, ये जो 25 डिविडेंड है ना, ये कैसे फाइंड किया जा सकता है, इस डिवाइजर और क्वेश्चेंट को मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, और उसमें इस रिमाइंडर 1 को ऐड कर दो, तो आप लोगों को वापस से कितना मिल जाएगा, 25 जो डिविडेंड है ये मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 4 × 6 + 1 करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 6 = 24 होगा, और 24 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखो इधर भी 25 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या था, डिविडेंड था। तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया इसको, कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे इस वाले सेंस में अगर हम देखें तो डिविडेंड कितना है, पी एक्स है, डिवाइजर कितना है, जी एक्स है, क्वेश्चेंट कितना है, क्यू एक्स है, और रिमाइंडर कितना था, आर एक्स था। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, डिविडेंड पी एक्स इज इक्वल होगा जी एक्स प्लस क्यू एक्स, सॉरी जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इस एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया। आगे हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसको वेरीफाई भी करके देखेंगे कि ये जो लिख रखा है ये सही भी है या गलत है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसको डिवाइड करना कब स्टॉप करते हैं हम लोग, जब ये जो रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर से छोटा आ जाए। लेकिन यहाँ क्या होगा, हम पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉलीनोमियल में छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कौन सा पॉलीनोमियल छोटा है कौन सा बड़ा है। वहाँ पे जिस चीज़ से डिसाइड करते हैं वो होता है उसकी डिग्री, जिसकी डिग्री बड़ी होगी किसी की डिग्री छोटी होगी, तो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कब हम स्टॉप करेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि डिवाइजर बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, ऐसे ही हम बोलेंगे जब डिग्री ऑफ जी एक्स क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, और डिग्री ऑफ जी एक्स क्या, आर एक्स क्या हो जाए, जी एक्स के कंपेरिजन में छोटी हो जाए, तो वहीं पे हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई कब हम चीज़ों को स्टॉप करेंगे, कब हम चीज़ों को मतलब आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई हमने अभी तक क्या सीखा। मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे, हमने देखा कि पी एक्स एक पॉलीनोमियल था जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसको हमने जी एक्स डिवाइजर से डिवाइड किया है, कुछ क्वेश्चेंट रिजल्ट निकल के आया जिसको हम क्वेश्चेंट बोलते हैं, कुछ लास्ट में बच गया उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया इसका मतलब इस जी एक्स से ये पी एक्स कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब जी एक्स क्या कहलाएगा, पी एक्स का एक फैक्टर कहलाएगा। और अगर जी आर एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल जीरो आती है तो हम बोलेंगे जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। और उसके बाद में मैंने बताया इन चारों में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर के, यानी कि जो पी एक्स होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन यानी जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर यानी आर एक्स के बराबर होगा। और यहाँ ये चीज़ और है कि यहाँ पे जो आर एक्स है इसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए जी एक्स से, तब तक हम तब जाके हम लोग स्टॉप करेंगे, वरना तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा भाई यहाँ पे जैसे ही वैल्यू जो रिमाइंडर रहता है इस
6 से अगर छोटा आ जाएगा तो वहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। वहाँ पे यहाँ कब स्टॉप करेंगे, जब इस आर एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, इस जी एक्स की डिग्री से छोटी हो जाएगी, वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा। तो अब देखो, सबसे पहला जो हमारे को ये चीज़ ध्यान रखनी है वो है कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी। इसका मतलब है कि भाई हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सबसे पहले तो यही चेक करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोल दिया कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करो और बिना सोचे समझे आप लोगों ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। इसकी एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज डिवाइड नहीं कर सकते। पहले मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर इधर मैं आऊँगा। देखो यहाँ क्या है, ये वाला एक तरीके से पी एक्स का काम कर रहा है क्या? सोचो भाई यहाँ पे क्या है, इधर जो डिविडेंड पी एक्स था, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये एक पी एक्स के जैसे काम कर रहा है, और यहाँ क्या है, ये जी एक्स है। सिमिलरली यहाँ ये क्या है, पी एक्स है, और यहाँ ये क्या है, जी एक्स है, और यहाँ ये पी एक्स है, और यहाँ ये जी एक्स है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ इस 25 को मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे ये जो 6 है जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो इस 25 से छोटा है, इसलिए मैं डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ इस 15 को इस 15 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ यानी कि 15, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ यानी कि 15, इन दोनों के बराबर है, इसलिए मैं डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन इस वाले केस में मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो 14, जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो 17, उससे क्या है, छोटा है। तो यानी कि इस वाले केस में हम डिवाइड आगे नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्या निकल के आती है, कि जो डिवाइजर होता है वो क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल, दोनों एक साथ आ गए, ठीक है, किससे, डिविडेंड से। अगर ऐसा है, सॉरी डिविडेंड है यहाँ पे, डिविडेंड से, तो ही हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसी चीज़ को मैंने पॉलिनोमियल के सेंस में लिख दिया। देखो कि अगर डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसकी डिग्री वो छोटी है या बराबर है किसके, जिससे डिवाइड, जिसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि पी एक्स की डिग्री से। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसका एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि पी एक्स हमारे को डिविडेंड गिवन है, कितना, ये रहा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमारे पास 4 जी एक्स गिवन है। हमें ये पता करना है किस किस से हम डिवाइड कर सकते हैं, किस किस से नहीं कर सकते। अब डिग्री क्या होती है, मैं आप लोगों को एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले के 4 लेक्चर्स बना दिए हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना शुरू कीजिए, जिससे कि इस लेक्चर को समझने में आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। भाई यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, जैसे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 3 होगी। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। अब यहाँ देखो इन सब की डिग्री, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी दिख रही है, 3, और इसकी डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। आई होप आप लोगों को डिग्री निकालनी आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझो, इस कंडीशन के हिसाब से देखना है कि किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, किस किस से नहीं कर सकते। तो मैंने बताया डिग्री ऑफ जी एक्स छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए डिग्री ऑफ पी एक्स से। तो डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है, 3 है। तो जिस जिस की डिग्री, जिसे जी एक्स की डिग्री या तो 3 हो या 3 से छोटी हो, उससे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, और जिसकी भी डिग्री 3 से बड़ी हो गई उससे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो क्या पहले वाले पॉलिनोमियल x प्लस 1 की डिग्री इससे छोटी है क्या, हाँ या छोटी है, मतलब इससे डिवाइड कर सकते हैं हम। क्या इसकी भी डिग्री इससे छोटी है क्या, 3 से, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या इन दोनों की डिग्री बराबर है क्या, बराबर में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो क्या इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, इससे हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री इस पी एक्स की डिग्री के कंपैरिजन में बड़ी होगी, तो हम बोलेंगे कि इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को कंडीशन चेक करना आ गई होगी कि किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड नहीं करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को अच्छे और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अब स्टेप्स देखेंगे, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल को इससे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए अब हम देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसीजर क्या होता है, उसकी स्टेप्स क्या होती है, और साथ में मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग इस प्रोसीजर के थ्रू एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ कि डिवाइड पी एक्स इज इक्वल 14x क्यूब माइनस वो सॉरी प्लस 9x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 बाय जी एक्स इज इक्वल माइनस 1 प्लस 2x। हमें इस पी एक्स वाले पॉलिनोमियल को इस जी एक्स वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है,
डिवाइड करने की स्टेप्स होती है, उन स्टेप्स को पहले हम देखते हैं और साथ साथ में क्या करेंगे, हम स्टेप्स को इस वाले उसमें अप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना ये स्टेप्स आप लोगों को एग्जाम पेपर में नहीं लिखनी होती है, ये केवल यहाँ पे क्या होता है समझाने के पर्पज से मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि भाई क्या क्या आप लोगों को कौन कौन सी तरीके से इसको आगे मतलब आगे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या करना है, पी एक्स एंड जी एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो समझो, देखो एक मिनट, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि यहां जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, इसकी जो पावर है वेरिएबल की उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म पहले आएगा, तो पी एक्स बराबर क्या हो गया 14x³, फिर उसके बाद में उससे कम पावर वाला टर्म कौन सा, ये वाला, तो -5x² बाद में आएगा इसके, फिर उसके बाद में क्या आएगा +9x आएगा और ऐसे ही 9x आएगा और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा -1। तो हमने क्या किया, पी एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। ऐसे ही जी एक्स को भी करना है हमारे को, तो जी एक्स इजिक्वल कितना हो जाएगा, पहले एक्स वाला टर्म आ जाएगा 2x हो गया और -1 वाला बाद में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने केवल समझाने के पर्पज से लिखा है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, आप लोगों को इसी लैंग्वेज में लिख लेना है क्योंकि हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज यहाँ पे बैरियर नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज की वजह से हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल लिखी है कि भाई पी एक्स एंड जी एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो हमारे को वो लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये है कंडीशन चेक करनी है कि भाई हम डिवाइड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, जो कि लास्ट स्लाइड पे हमने सीखी है। कंडीशन क्या होती थी कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी एक्स की डिग्री निकालेंगे, ऐसे जी एक्स की डिग्री निकालेंगे। अगर डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो, बड़ी है, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स, इसकी डिग्री इस जी एक्स के कंपेरिजन में बड़ी है, तो हम क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज रुक जाएंगे, या इक्वल होगी तो भी चलेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स निकालते हैं, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिग्री ऑफ पी एक्स, डी मतलब डिग्री, वो कितनी आएगी बताओ इस वाले केस में, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, और यहाँ मैं निकालूँ डिग्री ऑफ जी एक्स, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 1 है। तो देखो क्या ये वाला इसका ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है 1 से, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम आगे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों स्टेप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे स्टेप थर्ड पर बढ़ते हैं, यहीं से हमारा डिवाइड करना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म वाली चीज़ें लिखनी है, तो पी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 14x³ -5x² +9x और -1, ये वाली चीज मैंने यहाँ लिख दी पी एक्स की जगह पे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है 2x-1, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला रिजल्ट वो हमें यहाँ लिख दिया। अब हमारे को क्या करना है, इसको डिवाइड करना, हमने ये देख लिया कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अब ये देख लिया कि डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिग्री चेक कर लिया, इसकी डिग्री से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए तब हम कर सकते हैं। तब हमने ये देखा कि इसकी डिग्री 3 है, इसकी 1 है, यानी कि ये वाली डिग्री बड़ी है इसके कंपैरिजन में, यानी डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। डिवाइड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ध्यान से समझना, पी एक्स के हाईएस्ट पावर वाले टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा पी एक्स है, इसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा हो गया, ये मैं लिख देता हूं यहां पर 14x³ को जी एक्स के हाईएस्ट पावर वाले टर्म, तो जी एक्स का हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या हो गया 2x, इससे हमें क्या करना है डिवाइड करना है, हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करो और जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्वेश्चन में नोट करना। मैंने क्या बोला कि पी एक्स के हाईएस्ट पावर वाले टर्म को जी एक्स के हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करना है और जो भी रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को हमें कहाँ नोट कर देना है, यहाँ पे क्वेश्चन में, या आप चाहो तो यहाँ भी नोट कर सकते हो, यहाँ भी नोट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन यहाँ भी लिखा जाता है कई बार। तो देखो हम डिवाइड करते हैं, यहाँ ऊपर 3x है, नीचे 1x है, 1x से 1x कट गया, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 14 जा 7 हो गया, मतलब 2 7 जा 14 हो गया, तो ऊपर 7 बच गया और x² बच गया, तो ये हमारा रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को हमें कहाँ नोट करना है,
हमारे क्वेश्चन में नोट करना है, यानी कि 7x² को हमने क्वेश्चन में नोट कर दिया। आई होप आप लोगों को स्टेप 3 समझ में आ गई होगी। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, हमारे को जो gx दिया हुआ है इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म को px दिया हुआ है इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म को gx के हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमने देख लिया कि हमने क्या किया भाई, ऊपर 3x थे, नीचे 1x था, तो 1x डिवाइड हो गया, 2x बच गए ऊपर, और यहाँ पे 2 को जब 14 से डिवाइड किए, मतलब 14 में जब 2 से डिवाइड किया तो 7 टाइम हो गया, तो कितना आया 7x², ये हमारा रिजल्ट था। इस रिजल्ट को कहाँ नोट करना था, क्वेश्चन में नोट करना था, तो हमने यहाँ नोट कर दिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम पहुँचते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या कहती है कि स्टेप 3 से ऑब्टेंड रिजल्ट को, और स्टेप 3 से क्या रिजल्ट मिला हमारे को 7x², इसको हमें क्या करना है gx से मल्टीप्लाई करना है। gx से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में क्या करना है px में से सबट्रैक्ट करो। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको gx से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे को मिला क्या था 7x², ये हमारा 7x² मिला हमें। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, gx से। gx कितना है 2x-1, ध्यान रखना कंप्लीट पूरा के पूरे gx से हमारे को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी करना है, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 14x² आएगा, और इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा -7x² होगा। आई होप आप लोगों को, सॉरी यहाँ पे 14x³ आएगा, देखो x² ये रहा, 1x ये रहा, तो कितना बना 14x³ -7x². अब ये जो आया ना हमारे पास, इसको हमें किस में से सबट्रैक्ट करना है, px में से। तो px में से सबट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख देंगे। देखो यहाँ पे 14x³ के नीचे 14x³ वाला टर्म आ गया, और x² वाला टर्म किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ गया -7x². अब करना है सबट्रैक्ट। तो आप लोगों ने सबट्रैक्ट का रूल पढ़ा होगा कि जैसे मान लो इस वाले ब्रैकेट को हमें सबट्रैक्ट करना है इस वाले ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से अंदर जैसे मान लो साइन प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इसको ऐसे ही समझ सकते हो भाई, इसमें से इस ब्रैकेट में से इस ब्रैकेट को सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ बाहर माइनस लगाएंगे और इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये माइनस प्लस इसको क्या बना देगा, माइनस का बना देगा, और माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आप लोग केवल याद रख सकते हो डायरेक्ट कि हम क्या करते हैं, जिस भी चीज़ को सबट्रैक्ट करते हैं उसके जो साइन होते हैं उसको बदल देते हैं। अब इसका साइन प्लस नहीं है, ध्यान रखना माइनस है, इसका साइन माइनस नहीं, अब क्या है प्लस। अब हमारे को सिंपली जैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे करते हैं, 14x³ -14x³ कितना आएगा, 0। -5x² +7x² तो क्या होगा, +7x² और -5x² करो कितना आएगा, प्लस का 2x² आ गया। इसी के साथ हमारा ये क्या कर दिया, हमने सब्ट्रैक्शन भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो बाकी का जो बच गया उस वाले पार्ट को पहले नोट कर लेते हैं, 9x-1। इसके बाद में हम आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 कुछ अलग नहीं है, जो हमने 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप की है, 4 स्टेप्स की है, इनको वापस से क्या करना है, रिपीट करना है। पहली स्टेप क्या थी हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ये हमारा नया px बन चुका है, ध्यान रखना ये हमारा न्यू px है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में ये पहले वाले केस का रिमाइंडर है, लेकिन अब हमारे को एक तरीके से हम इसको px के जैसे ट्रीट करेंगे, और इसको क्या करेंगे, मतलब इस px में इससे डिवाइड करना शुरू करेंगे। स्टेप 1 में देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा, इसके हाईएस्ट पावर 2 है, 1 है, 0 है, यहाँ पे 1 है और 0 है, मतलब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टेप 1 कंप्लीट हो गई हमारी, उसके बाद में हम क्या करेंगे स्टेप 2, भाई डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते आगे चेक करेंगे। तो इसकी डिग्री देखो, नए वाले px की डिग्री क्या है, 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है, gx की डिग्री 1 है। तो देखो डिग्री ऑफ px, न्यू वाले px की डिग्री क्या होनी चाहिए, छोटी नहीं हो जाए तब तक हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है अनटिल, ऐसा करते रहेंगे, तो यहाँ तो अभी बड़ी है यानी कि हम कर सकते हैं। स्टॉप कब करेंगे, यहाँ पे क्या होगा अनटिल, यानी कि जब स्टॉप करना हो हमारे को तब कब करेंगे, जब इसकी डिग्री इसके कंपेरिजन में छोटी हो जाए। लेकिन अभी तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। अब स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गई, डिवाइड कर सकते हैं। फिर स्टेप 3 करेंगे, तो स्टेप 3 में क्या होगा, इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म यानी कि 2x² को हम लोग क्या करेंगे, इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म यानी 2x से डिवाइड करेंगे। देखो 2 से 2 वन टाइम डिवाइड हो गया, x डिवाइड हो गया, ओनली क्या बचा, x बचा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्वेश्चन में नोट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि किसका आएगा रिजल्ट, प्लस का x निकल के आएगा। अब इस प्लस के x को क्या करेंगे, स्टेप 4 के अंदर जाके क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे gx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेता हूँ, x को मल्टीप्लाई करना है 2x-1 से, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा,
टू एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x बन गया। अब ये जो रिजल्ट आया उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा देखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस x, ऐसे कैसे लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब सिंपली जैसे हम एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे करते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, जीरो हो गया। 9x प्लस एक्स कितना हो गया, प्लस का 10x हो गया और माइनस का 1, ऐसे कैसे नोट कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, फिर से वापस से क्या करना है, रिपीट करना है, स्टेप 6 के अंदर रिपीट करना है 1 2 3 4 वापस से। इसकी पावर डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री 1 है। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 0 1 0, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम बोल देंगे कि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टेप 1 खत्म हो गई। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसके डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो जब तक 1 होती है तब भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं भाई, दोनों बराबर होती है तब भी तो डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि स्टेप 2 के भी हमारी खत्म हो गई कि हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या चेक करके देख लिया, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ये पता चल गया। अब क्या करना है हमारे को, स्टेप 3 के अंदर इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से डिवाइड करना है, तो इसको इससे डिवाइड करो, देखो मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो 10x को हमें डिवाइड करना है 2x से, तो x से x डिवाइड हो गया, ये कितने टाइम डिवाइड हो गया, 5 टाइम, रिजल्ट क्या आया 5। इस 5 को किस में नोट कर देंगे, क्वेश्चन में नोट कर देंगे। फिर इस 5 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 4 के अंदर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 से, तो ये देखो 10x हो गया और यहाँ पे माइनस का 5 हो गया, और जो भी रिजल्ट आया उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 10x हो गया और यहाँ माइनस 5, यहाँ पे देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 10x माइनस 10x तो 0 हो गया, और प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब फिर से वापस वही रिपीट करना है हमारे को, स्टेप 1 2 3 4। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसमें इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो है। अब डिग्री चेक करेंगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म की डिग्री कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है। अब मैंने बताया कि ये काम कब तब तक करना है जब तक कि जी एक्स की डिग्री छोटी नहीं हो जाए पी एक्स की, सॉरी पी एक्स की डिग्री छोटी नहीं हो जाए जी एक्स की डिग्री से। तो देखो यहाँ पे जी एक्स की, ये नया वाला पी एक्स है ना, इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 1 है, तो क्या यहाँ पे नए वाले पी एक्स की डिग्री यानी कि 0 वो इस जी एक्स की डिग्री यानी 1 से छोटी हो गई क्या? तो देखो इस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि 0 क्या है, 1 से छोटा है, तो हम यहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और स्टॉप करते ही हम लोग बता देंगे कि कौन सी चीज़ क्या आई। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ये जो लास्ट में बचा ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट हो जाएगा। ध्यान रखना नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्या नहीं करूँगा, स्टेप्स को नहीं लिखूंगा, मैं केवल स्टेप्स को बोल के बताऊंगा, तो आप लोग पहले स्टेप्स को अच्छे से नोट कर लीजिए और उसके बाद में जब मैं करवाऊँ तो आप लोग उन स्टेप्स को देख देख के लिख सकते हो, तो इसे वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग एक और एग्जांपल करके देखते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, डिवाइड पी एक्स इज इक्वल 6x³ प्लस 11x² स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65 बाय जी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। हमें इस वाले पॉलिनोमियल से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। लास्ट में एक चीज़ और बोली है, एंड ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना क्या होता है मैं आगे जब करके बताऊंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप 1 करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ये तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा हाईएस्ट पावर 3 2 1 0, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे एक्स आ गया, तो हम क्या करेंगे x को पहले लिख लेंगे, माइनस 1 को बाद में लिख देंगे, तो स्टेप मतलब हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगी। और उसको साथ के साथ मैं क्या करता हूँ, डिवाइड वाले फॉर्म में इस फॉर्मेट में भी लिख देता हूँ। तो जी एक्स की जगह पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जी एक्स तो ऐसे मतलब जी एक्स की जगह पे हमने ये लिख दिया, पी एक्स की जगह पे ऐसे कैसे आ जाएगा, 6x³ प्लस 11x² माइनस 39x माइनस 65, ये हमने ऐसे कैसे नोट कर दिए। अब हमें क्या करना था, स्टेप 2 करनी थी, ये चेक करना था कि इसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट कंडीशन चेक करनी है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बिना सोचे समझे हमारे को डिवाइड करना शुरू नहीं करना। ध्यान रखना यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री मतलब जिसको हाईएस्ट पावर बोलते हैं, जिसको डिग्री बोल देंगे हम, 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई, इसकी क्या हो गई, 2 हो गई। हमें पता है
कि ये पी एक्स है, पी एक्स की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किससे, जी एक्स से। तो क्या ऐसा है क्या यहाँ पे? तो देखो पी एक्स की डिग्री 3 है, जी एक्स की डिग्री 2 है, तो क्या पी एक्स की डिग्री 3 जी एक्स की डिग्री से बड़ी है? हाँ इसकी डिग्री बड़ी है, यानी कि हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, दोनों स्टेप, पहले स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना और दूसरे स्टेप्स में डिग्री चेक करना, ठीक है, मतलब कंडीशन चेक करना कि डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने दोनों स्टेप्स में वो कर लिया। अब स्टेप 3 क्या थी, अब देखो वो मैं साथ के साथ लिखते जाता हूँ यहाँ पे। उसमें क्या करते थे, पी एक्स के हाईएस्ट पावर वाले टर्म यानी कि 6x³ को जी एक्स के हाईएस्ट पावर वाले टर्म यानी कि x² से डिवाइड करते थे। तो देखो ऊपर 3x है और नीचे 2x है, तो 2x से 2x कट जाएंगे, 1x बच जाएगा यहाँ पे, 1x बच जाएगा और 6 ऐसे कैसे चल रहा है, मतलब क्या बना हमारे पास, 6x बन गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई कि आप लोगों को, अगर ये नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x, x से x वन टाइम डिवाइड हो गया, x से x वन टाइम डिवाइड हो गया, बाकी बचा क्या, 6x। तो आप लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को आना चाहिए ये अब 9th स्टैंडर्ड में जाके ये चीज़ें सीखने की नहीं होती, ये 8th क्लास में ही सिखा दी जाती है। अब देखो जो भी रिजल्ट आता था उसको क्वेश्चन में नोट करते थे, हमने क्वेश्चन में नोट कर दिया, हमारी स्टेप 3 खत्म हो गई। अब स्टेप 4 के अंदर हम क्या करते थे, जो भी हमारा रिजल्ट मिला था स्टेप 3 में उसको पूरे के पूरे जी एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि हमें सी एक्स 6x को मल्टीप्लाई करना है x² + x - 1 से, कितना आएगा, इसको इससे करेंगे तो 6x³ हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो +6x² हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। और फिर जो रिजल्ट आया उसको इस पी एक्स में से सब्ट्रैक्ट करते थे, सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान ये रखना है लाइक टर्म के नीचे लाइक लिखना है, जैसे यहाँ पे क्यूब वाला टर्म है तो उसको क्यूब वाले टर्म के नीचे लिखना है, स्क्वायर वाला टर्म है तो स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखना है। तो देखो यहाँ पे 6x³ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6x² आ जाएगा, और यहाँ पे -6 किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, ये जिसको भी सब्ट्रैक्ट करें उसके साइन बदल जाएंगे। रीजन मैंने बता दिया था कि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, जो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होके प्लस को माइनस बना देगा, माइनस को माइनस प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6x³ - 6x³ कितना हो गया, 0। 11x² - 6x² कितना हो गया, प्लस का 5x² हो गया। फिर 39x + 6x तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 33x और -65 ऐसे कैसे चलेगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया। तो यहाँ देखो -6 था, ये प्लस हो गया, -39 में से 6 वो करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 33 आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है, और -65 ऐसे कैसे आ गया। इसी के साथ हमारी स्टेप 4 कंप्लीट हो गई। अब हमारे को स्टेप 5 करनी है। स्टेप 5 में क्या होता है, वापस से रिपीट करेंगे सारी चीज़ें। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले स्टेप दिख रही होगी, देखो 210 पावर की फॉर्म में 210, ये तो देखो बदल ही नहीं रहता, इसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, जब बदलेगा तभी तो चेक करने की जरूरत पड़ेगी, ये तो फिक्स था, तो ये बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, केवल इसको चेक करते जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर डिग्री चेक करनी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है। हमने देखा था कि अगर पी एक्स की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो अब ये बड़ी नहीं है, बराबर है, तो भी डिवाइड कर सकते हैं। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म को, अब देखो इस वाले का नेक्स्ट वाले केस में होगा, ये हमारा न्यू पी एक्स हो गया, और न्यू पी एक्स के हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा, 5x², इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x² से x² कट गया, कितना बचा, 5। तो 5 को कहाँ नोट कर देंगे हम लोग, यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, जो भी हमारा क्या आया है स्टेप 3 के अंदर, जो रिजल्ट आया था ये वाला 5, इस 5 को क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे के पूरे जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इसकी स्टेप में भाई, इस 5 को हमारे को मल्टीप्लाई करना है किससे, x² + x - 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5x², ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा -5, और इसको अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, देखो 5x² + 5x - 5। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदल जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, या माइनस प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 5x² - 5x² कितना हो गया, 0। -33x और -5x, माइनस का 38x हो गया, -65 + 5, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 60। अब फिर से 1, 2, 3, 4 को रिपीट करेंगे। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को दिख रही होगी 1 है और 0 है, फिर 2 वाली रिपीट करेंगे। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 1, इसकी डिग्री कितनी है, 2। जैसे ही पी एक्स की डिग्री क्या होती है,
जीएक्स के कंपैरिजन में छोटी हो जाती है, वहीं पे स्टॉप कर देंगे हम। तो यहीं हम क्या हो जाएंगे, अब स्टॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री वन इसकी डिग्री के कंपैरिजन में छोटी है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये वाली डिग्री छोटी मिलती है, इसके कंपैरिजन में हम स्टॉप कर देते हैं, यहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या मिल गया, हमारे को क्वेश्चेंट मिल गया। तो क्वेश्चन में ये ऐसे ही पूछा था कि बताओ रिमाइंडर और क्वेश्चेंट क्या था, या डिवाइड करके रिमाइंडर और क्वेश्चेंट की वैल्यू बताओ, तो हमने कर लिया। अब साथ में इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भी आपने किया है, या आंसर सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करके बताओ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो डिविडेंड साइड में लिख नहीं रहा, आप लोग याद रखना कि डिविडेंड ये था हमारा। राइट हैंड साइड में डिवाइजर कितना आया हमारे पास, कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन था। क्वेश्चन कितना निकल के आया है, सिक्स एक्स प्लस फाइव, प्लस रिमाइंडर कितना निकल के आया है, माइनस 38x माइनस 60। अब देखो आगे मल्टीप्लाई वगैरह करने का काम करते हैं, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि ये रिमाइंडर है। देखो अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने का काम कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कैसे करें। पहले ये एक्स स्क्वायर इन दोनों से होगा, फिर ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस वन इन दोनों से होगा। तो हम करके देखते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर को 6x से करेंगे तो 6x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को 5 से करेंगे तो 5x स्क्वायर, फिर एक्स को 6x से करेंगे तो एक्स और एक्स तो एक्स स्क्वायर बना देगा, और 6 है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए प्लस का 6x स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे एक्स को 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर माइनस वन को दोनों से करेंगे तो माइनस वन को 6x से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, और फिर माइनस वन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आप तक समझ में आ गई होगी। फिर इधर की तरफ देखो, ये प्लस माइनस, माइनस का 38x है, और प्लस माइनस, माइनस का 60 है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे लाइक टर्म अगर कोई है तो उनको ऐड कर देते। तो देखो ये तो 6x क्यूब तो ऐसे कैसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इन दोनों जगह पे आ रहा है, तो 5x स्क्वायर और 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11x स्क्वायर। अब x वाले टर्म तीन जगह आ रहे हैं, देखो दो जगह ये रहे और एक जगह ये रहा, तो 5 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 में जब माइनस 38 ऐड करोगे तो माइनस का 39x बन गया। उसी तरीके से अब कॉन्स्टेंट टर्म कौन कौन से बचे, एक तो ये बचा और एक ये बचा, माइनस 5 और माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस का 65। अब ध्यान से देखो, क्या राइट हैंड साइड में जो पी एक्स आ रहा था वो भी उतना का उतना ही है क्या, क्वेश्चन में देखो ऊपर लिखा हुआ है 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x और माइनस का 65। तो हमने ये वेरीफाई करके भी देख लिया कि हमारा रिजल्ट क्या है, बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसे भी वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ जिससे कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, उसको भी हम देख लेते हैं। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। क्या बोला, चेक वेदर जी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 और नोट। हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो जी एक्स है वो इस वाले पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टर की कंडीशन क्या होती है। हमने देखा था कि हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ हम लोग पी एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, जी एक्स से, सिंपली। जैसे अभी हमने सीखा है ना, लास्ट दो स्लाइड पे हमने जो एग्जांपल्स किए, सेम वैसे हम डिवाइड करना सीखेंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि इफ अगर हमारे को क्या मिल जाए, इफ आर एक्स बराबर क्या हो जाए, जीरो आ जाए, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम बोल देते थे कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। भाई अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे कि जी एक्स इसका पी एक्स का फैक्टर है। अगर एल्स अदरवाइज क्या होगा, एल्स क्या बोलेंगे हम, आर एक्स नॉट इक्वल जीरो आ रहा है तो हम बोल देंगे कि जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करते जाना है।
लास्ट में रिमाइंडर को देखना है, अगर रिमाइंडर जीरो मिल जाता है तो बोल देंगे कि फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है तो हम बोल देंगे कि फैक्टर नहीं है। तो सिंपली हमारा एक क्वेश्चन डिवाइड का ही था, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछ ली कि बताओ कि डिवाइड करने के बाद में ये फैक्टर है या नहीं है। तो डिवाइड तो करना ही करना है, बस लास्ट में चेक कर लेना रिमाइंडर, हम निकाल के देखेंगे कि भाई रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो मिला तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो डिवाइड के रूल आप लोगों को पता होने चाहिए, उनको ये हमें फॉलो करना है। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करते थे, 210 स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा, 43210 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। सिंपली क्या कर लो, डिवाइड की फॉर्म में लिख लो इस तरीके से, 2x^4 - 3x³ - 3x² + 7x - 3, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं, x² - 2x + 1। अब क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, इस पूरे पॉलीनोमियल की इसकी 2 है, तो इसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए इससे, और यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गई। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग, उसको मैं यहाँ पे कर करके बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेना अलग से। तो फिर क्या करते हैं, जी एक्स के हाईएस्ट पावर वाले टर्म से पी एक्स के हाईएस्ट पावर वाले टर्म को डिवाइड करते हैं, मतलब 2x^4 को हमें डिवाइड करना है x² से। तो देखो ऊपर 4x है, नीचे 2 है, तो 2 कट गए, केवल कितने बचे, 2 बचे, तो कितना आ जाए, 2x² आया। उसको कहाँ नोट कर देंगे, क्वेश्चन में नोट कर देंगे। स्टेप 3 भी कंप्लीट है। स्टेप 3 के बाद में जो स्टेप 4 करेंगे हम, स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 3 से जो रिजल्ट मिला, मतलब ये, इसको हमें क्या करना है, पूरे के पूरे इस जी एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ करके देखते हैं, देखो 2x² को मल्टीप्लाई करना है x² - 2x + 1 से। पहले इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2x^4, फिर इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4, और x² को x से करेंगे तो x³ बन जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 1 से करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 2x². अब इस रिजल्ट को इसमें से क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो सबट्रैक्ट कर देते हैं। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, -4x³ + 2x² सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का था तो प्लस बन जाएगा, और प्लस का है तो माइनस बन जाएगा। आई होप ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों को याद होगी। स्टेप्स जब तक याद नहीं रखोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग अभी के लिए क्या कर सकते हो, बार बार देख सकते हो स्टेप्स को, लेकिन आप लोगों को फाइनली याद करनी ही पड़ेगी कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है। एक बार स्टेप्स याद होगी तो आप लोग फिर कंटिन्यू करते जाओ, आप लोगों का रिजल्ट हमेशा सही निकल के आएगा। बस प्लस माइनस साइन में क्या होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर वो मिस्टेक होगी तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो 2x^4 - 2x² करेंगे तो 0 आएगा, -3x³ + 4x³, या ऐसे बोल दो 4x³ - 3x³ करेंगे तो प्लस का 1x³ बचेगा, जिसको हम ओनली x³ लिख सकते हैं। -3x² - 2x² कितना हो गया, माइनस का 5x², आगे वाले पार्ट को ऐसे कैसे नोट कर दिया मैंने। उसके बाद में क्या करेंगे, वापस से रिपीट करना है 1 2 3 4। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा साफ साफ, डिग्री चेक करनी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी कितने है, 2 है। तो हम बोल सकते हैं क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम आगे डिवाइड करने लगेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म से। इसको इधर कर देता हूं, x³ को डिवाइड करना है x² से, तो 2x से 2x कट के कितना बचा, 1x बचा, जिसको कहां नोट करेंगे, क्वेश्चन में नोट कर देंगे। तो फिर आगे क्या करेंगे, इस x से क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करना है किसको, x² - 2x + 1 से। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x³, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2x² x² बन जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का x, और जो भी रिजल्ट आया उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे आएगा x³, यहाँ पे आएगा -2x², इधर क्या आ जाएगा, प्लस का x, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। x³ - x³ करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। -5x² को +2x² करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x² आ जाएगा। ऐसे ही 7x - x करेंगे तो प्लस का 6x आएगा, और माइनस का 3, ऐसे कैसे आ गया। अब फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म से इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म को डिवाइड करेंगे। मैं इधर कर देता हूँ, कितना होगा, -3x² को डिवाइड करना है x² से, x² कट गया, कितना आया, माइनस का 3 आया, जिसको हम कहाँ नोट करेंगे, क्वेश्चन में नोट कर देंगे। अब इस माइनस के 3 से क्या करेंगे, पूरे के पूरे इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। तो देखो
अब इसको हमारे को जी एक्स से मल्टीप्लाई करना था, देखो करते हैं, माइनस थ्री को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो विजिबल नहीं होगा ये, यहाँ कर देता हूँ मैं, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री को टू से करेंगे सिक्स होगा और एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद में माइनस थ्री को वन से करेंगे माइनस प्लस माइनस, और थ्री को वन से करेंगे थ्री। अब इसको इसके नीचे लिख के सबट्रैक्ट करना है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और माइनस का थ्री। सबट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलते हैं, ये माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का हो गया। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जीरो, प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स ये भी जीरो, और यहाँ पे प्लस थ्री और माइनस थ्री ये भी कितना जीरो, यानी कि मैं लास्ट में बोल देता हूँ कि ये सारे के सारे क्या हो गए, जीरो आ गए। अब यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है, आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो आ गई है। और जैसे ही आर एक्स की वैल्यू जीरो मिलती है तो हम बोल देंगे जिससे भी डिवाइड कर रहे थे जो कि जी एक्स, वो इस पी एक्स का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे, चेक करके बताना था, तो हम बोलेंगे कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये चीज़ नीचे लिखनी है, ध्यान रखना इस जगह पे लिखनी है ये वाली लाइन। इसको अभी वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है उसका मैं एक ब्रीफ आप लोगों को ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ हमने क्या किया है, रिमाइंडर फाइंड किया था पूरा डिवाइड करके प्रोसीजर के थ्रू। लेकिन आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें क्या करेगा, हमारे पास एक थ्योरम बना ली है हमने, एक शॉर्टकट ट्रिक बना ली है जिसके वजह से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो वो जब उस लेक्चर में देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह आता है, कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो वो हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।